YouTube चैनल इनवर्स टेक। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप काइन मास्टर में शेक इफेक्ट सिर्फ एक मिनट में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो भाई सिर्फ एक मिनट लगेंगे आपको और आप काइन मास्टर में शेक इफेक्ट ऐड करना सीख जाएंगे। तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर 3 क्लिप्स ली हैं। मैंने क्लिप्स को ट्रिम करना पहले मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, तो आप अगर क्लिप्स को ट्रिम करना नहीं जानते हैं तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं आप ट्रिम करने के लिए। देखिए सबसे पहले आपको एक क्लिप को टच करना है। इसे देखिए, मैंने इस क्लिप को टच किया तो ये येलो हो गई। अब इसको दोनों साइड से पकड़कर, उंगलियों से पकड़कर आप दोनों फिंगर्स लगाइए और इसे बढ़ाइए। तो देखिए मेरी क्लिप बड़ी हो गई। देखिए फ्रेंड्स का साइज इतना ही रहेगी, टाइमिंग इतनी रहेगी। देखिए 3 सेकेंड की है, 3 सेकेंड रहेगी पर आपके फिंगर एक्सटेंड कर जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से देखिए 3 डॉट्स दिख रहे हैं। इनमें जाने के बाद इसको टच करना है तो 3 डॉट्स बने हैं। देखिए अभी मैं टच करूँगा, मैंने टच किया तो यहाँ पर देखिए डुप्लीकेटर लेयर आ गया, तो मैं उसे टच कर दूँगा। तो देखिए नीचे लेयर को आपको टच करना है, जो लेयर बनी ही नहीं। ये देखिए लेयर आपकी, ये आपकी लेयर बनी है, ये वाली आपको उसे टच कर देना है। उसे टच करने के बाद देखिए अब आपको यहाँ पर कीज़ के ऑप्शन दिख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर एक की बनी हुई है, इसको ऑप्शन आपको टच करना है। ऐसे जब आप टच कर देंगे फिर आपको क्या करना है, आपको देखिए शेक करना है, आपको हल्का सा जूम करना है। आप जैसा भी करना चाहते हैं हल्का सा जूम कीजिए, फिर आगे जाइए थोड़ा सा क्लिप को मूव कीजिए, फिर छोटा कर दीजिए। देखिए यहाँ पर रेड डॉट, आप जिस बार हर बार लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए रेड डॉट बन जाते हैं। फिर हल्का सा जूम किया, फिर आगे बढ़े, फिर हल्का सा जूम किया, फिर थोड़ा सा कम जूम किया, जूम इन किया, फिर हल्का सा जूम आउट किया, थोड़ा सा अपर साइड को मूव किया, थोड़ा सा डाउन साइड को मूव किया, थोड़ा सा लेफ्ट साइड को मूव किया, थोड़ा सा राइट साइड को मूव किया, थोड़ा सा फिर से डाउन साइड को मूव किया, थोड़ा जूम इन किया, थोड़ा जूम आउट किया। देखिए फ्रेंड्स इतने सारे डॉट्स लग चुके हैं यहाँ पर, इतने डॉट्स पर आपकी स्क्रीन शेक होगी। और अब देखिए यहाँ पर मैं रोटेशन में लगा दे रहा हूँ। रोटेट करना कैसे है, तो रोटेट करने के लिए आपको इस मार्क को टच करना होगा। इस मार्क को टच करने के बाद आप उसे रोटेट कर सकते हैं। जैसे मैंने हल्का सा रोटेट किया, देखिए यहाँ पर डबल डॉट्स लग गए, फिर हल्का सा जूम किया, फिर देखिए सेकेंड साइड को मैं रोटेट करूँगा हल्का सा आगे थोड़ा जाके, और देखिए हमारी क्लिप कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड। तो आप फिर उसे डबल फिंगर से आप इसको फिर से उस साइड में ला सकते हैं जिस साइज की थी। देखिए मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, ये देखिए मैं आपको प्ले करके इसे दिखा देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने 2 क्लिप्स पहले से ही उसमें ऐड कर रखा है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़ फ्रेंड्स। थैंक यू।